the career path series of super grads, we have been emphasizing that you should be knowing the career path beforehand, well in advance before choosing a career. क्योंकि अगर आपको career path पहले से पता होगा तो आप easily अपने life के decisions सही time पे ले पाएंगे. In this episode, we are going to discuss about commerce as a career. Go through each and every slide of today's presentation. Now let's talk about commerce, a very well-structured career it provides to all the students. And इसकी एक खासियत ये है कि इसमें आपको जॉब एक्सपीरियंस या जॉब ट्रेनिंग की जरूरत होती है अगर आपको करियर में धीरे धीरे ग्रोथ करनी है तो. इम्पॉर्टेंट ये है कि यूजुअली स्टूडेंट्स इसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं और ये सोचते हैं कि साइंस वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो कि पढ़ाई में होशियार होते हैं और कॉमर्स उन लोगों को लेनी चाहिए जो पढ़ाई में होशियार नहीं होते. बट ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन सिर्फ इंडिया में है. अगर कॉमर्स आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि कॉमर्स के थ्रू आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं तो आप जितने भी होशियार स्टूडेंट हो आपको कॉमर्स लेना ही चाहिए. इससे एसोसिएटेड बहुत सारे रिवॉर्डिंग करियर्स हैं जो कि आपको अकाउंट्स की फील्ड में, फाइनेंस, बिजनेस, इन सारी फील्ड्स में प्रोवाइड करता है कॉमर्स. अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं कॉमर्स में. हमने कुछ पॉपुलर कोर्सेस को लिस्ट डाउन किया है. सबसे पहले आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं एक अच्छे कॉलेज से जहां पे आपको कॉमर्स के अराउंड जितना भी बेसिक कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाया जाता है. पूरा को करिकुलर नॉलेज आपको कॉमर्स रिलेटेड दिया जाएगा. तो आप बीकॉम किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो आपकी करियर पाथ में एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम ये होता है कि वो किस तरीके से कंपनीज के जितने कॉस्ट है उनको चेक करे और गलत कॉस्टिंग को आगे न बढ़ने दे, बजटिंग में हेल्प करे. कमर्शियल लॉज, लॉज और एथिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाते हैं. चार्टेड अकाउंटेंट. चार्टेड अकाउंटेंट शायद दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है. लेवल बाय लेवल स्टूडेंट्स इसको क्रॉस करते हैं. आफ्टर ट्वेल्थ ही इस एग्जाम के लिए बैठना पड़ता है और हर लेवल को क्रॉस करने के बाद आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं. बहुत टफ होता है हालांकि चार्टेड अकाउंटेंट बनना. उसके बाद कंपनीज आपको रिक्रूट कर सकती हैं या आप खुद की प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशन कर सकते हैं. कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी कंपनी से रिलेटेड जितने लीगल इश्यूज है उसको सॉल्व करता है. तो एक कंपनी का लॉयर है वो है कंपनी सेक्रेटरी. तो लीगल पर्पस, अग्रीमेंट्स और जितनी चीजें हैं कंपनी से रिलेटेड वो सॉल्व करता है एक कंपनी सेक्रेटरी. सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करे, टैक्सेस रिलेटेड चीजों में हेल्प करे, रिटायरमेंट रिलेटेड इश्यूज में हेल्प करे, वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. ये बहुत अच्छा कोर्स है जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. बीए इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है और कॉमर्स के अंडर ही इकोनॉमिक्स को अपन कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में तो आप बीए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं या बीएससी इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं जहां पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ाई जाती है. पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी पॉपुलर कोर्सेज की. अब करियर चॉइसेस की बात करेंगे. हो सकता है कुछ कोर्स वापस करियर चॉइस के फॉर्म में वापस रिपीट हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से करियर्स में आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं अगर आप कॉमर्स को एज ए करियर चूज करते हैं तो. इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ही हाईली पेड जॉब. काम सिर्फ उसका इतना है कि एडवाइस करना किसी फर्म या इंडिविजुअल को कि जितने उसके रिसोर्सेस हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सकें और दिन ब दिन में ग्रोथ आ जाए क्योंकि वो इतनी अच्छी एडवाइस दे रहा है कि आपके एसेट्स बढ़ते जाएंगे तो इसकी वजह से उसका पेमेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है. तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन फंड का करवाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर. चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. काफी सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट लाइक वेल्थ मैनेजमेंट, इक्विटी, क्रेडिट एनालिसिस. काफी तरीके के रोल्स प्ले करता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. सीए की बात हम पिछले स्लाइड में कर चुके हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना किसी अच्छी कंपनी को और वो पूरे के पूरे जितने फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के वो मैनेज करता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट को आगे जाकर शुरुआत में हो सकता है सैलरी 6 से 7 लाख के आसपास मिले लेकिन धीरे धीरे उसको
फाइनेंस रिलेटेड बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं किसी भी फर्म या कंपनी में, तो सीए का एक बहुत बड़ा रोल होता है थ्रू आउट हिज हर लाइफ। और हाईली पेड जॉब्स या प्रोफेशंस जो कॉमर्स प्रोवाइड करता है, सबसे पहले एक्चुअरी। एक्चुअरी का एग्जैक्ट काम होता है कि इंश्योरेंस रिलेटेड रिस्क को एनालाइज करे और प्रीमियम्स को सजेस्ट करे, और इसके लिए वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टूल्स को यूज करता है। कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट कटिंग के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कंपनी के, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर जो पहले से ही किसी भी टाइप की रिस्क को भांप ले और कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करे, उसका काम, उसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। वो शायद किसी भी टाइप की रिस्क होगी उसको भापेगा और कम करने की पूरी कोशिश करेगा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में हम पिछली स्लाइड्स में भी बात कर चुके हैं, वो एक लीगल एडवाइस देता है कंपनी को और लीगल रिलेटेड जितने भी कंपनी के इश्यूज हैं उनका टेक केयर करता है, लाइक टैक्स रिपोर्ट्स की फाइलिंग, अकाउंट इंफॉर्मेशन की फाइलिंग, एनुअल अर्निंग्स रिलेटेड मैटर्स, वो सारा काम देखता है एक कंपनी सेक्रेटरी। बात करें पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की, तो वो एक इंडिविजुअल है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के नेटवर्थ को बढ़ाने में पूरी की पूरी सपोर्ट देता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीशंस लेने में पूरी की पूरी हेल्प करता है। वो चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीशंस हो, म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो, इंश्योरेंस रिलेटेड हो, इक्विटी रिलेटेड हो, वो पूरी की पूरी एडवाइस देता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। हर कोई कॉमर्स की फील्ड में चला जाए और बहुत अच्छा करे जरूरी नहीं, तो आप अपने अंदर कुछ ऐसी बातें देखते हैं जो इस स्लाइड में मेंशनड है, तो आप डेफिनेटली कॉमर्स को एज अ करियर चूज कर सकते हैं या फिर नहीं चूज कर सकते। दोनों चीजों के लिए ये वाली पर्टिकुलर साइट बनी है। सबसे पहले है इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स। अगर फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज को पढ़ रहे हैं, या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिलचस्पी है, तो डेफिनेटली आप कॉमर्स में जा सकते हैं। और दूसरी बात भी वही है कि अगर आप फाइनेंस के चैनल्स चला रहे हैं, ऐसे कुछ चैनल्स आपके न्यूज के फॉर्म में चल रहे हैं जो आपको बोर नहीं करते, तो आप डेफिनेटली कॉमर्स वाली फील्ड में जा सकते हैं। सेंसेक्स वाले चैनल्स को भी आप देखना प्रेफर करते हैं, तो भी आप डेफिनेटली कॉमर्स को एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर स्ट्रांग है, ये एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कॉमर्स रिलेटेड हाई एंड करियर्स में बहुत यूज आती है, तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग है तो कॉमर्स आपके लिए हो सकता है एक अच्छा करियर पाथ बन जाए। कमर्शियल टर्म्स को समझने में अगर आपको दिक्कत नहीं आती, जो भी कॉमर्स रिलेटेड टर्म्स हैं उनमें आप ड्वेल करना जानते हैं और आप इरिटेशन नहीं होता अगर कोई कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट आता है, तो भी आप कॉमर्स को एज अ करियर पाथ चूज कर सकते हैं। अगर आपको मनी या मनी के अराउंड बात करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों से, तो भी आप कॉमर्स को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मनी की इम्पोर्टेंस पता होती है और पैसा कैसे यूटिलाइज करना है, किस पॉकेट में डालना है, कहाँ पर इसको इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कैसे पैसे को कमाया जा सकता है। अगर इन सारी चीजों में आपको इंटरेस्ट है तो कॉमर्स को एज अ करियर आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। इंडिया की वो बेहतरीन कॉलेजेस कौन से हैं, हमने डिटेल में सुपर कॉलेजेस सीरीज में भी कवर किया था, एक बार आपको जिस्ट दे देते हैं। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इंडिया का फाइनेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, अगर ये कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं तो कॉमर्स में आप बेहतरीन करियर बना सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे कॉलेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही आपको चूज करने पड़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमर्स एज अ करियर। करियर पाथ सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। हम किसी और कोर्स के बारे में बात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग। सब्सक्राइब सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड विजिट अस ऑन डिफरेंट चैनल्स एज वेल। थैंक यू।